मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस की पहली सूची नवरात्र में 18 अक्टूबर को जारी होगी। सीएम के इस बयान के बाद दावेदारों में चिंता बढ़ गई है कि आखिर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। जहां हम बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहां 5 से 2 विधानसभा सीटों का गणित जरा उलझा हुआ लगता है। वहीं 3 सीटों पर प्रत्याशी करीब करीब तय हो गए हैं और वो भी अशोक गहलोत खेमे से ही होंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर बागीदौरा विधानसभा से वर्तमान जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया एकमात्र उम्मीदवार हैं, जिनके सामने दूसरी कोई दावेदारी अभी तक पेश नहीं हो पाई। इसके बागीदौरा सीट तो मालविया के पास ही है। कांग्रेस की रणनीति को अगर देखा जाए तो दूसरी पक्की सीट टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की बांसवाड़ा विधानसभा से तय मानी जा रही है। वे सीएम के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है, लेकिन मुश्किल यह सामने आ रही है कि उनके सामने दावेदारों की फेहरिस्त जरा लंबी है। इसमें सरपंच जिलाध्यक्ष अशोक डामोर से लेकर प्रधान मनोहर लाल खड़िया तक रेस में शामिल है, लेकिन फिर भी इनके सामने समस्या यह है कि यह स्थानीय चेहरा हो सकते हैं लेकिन प्रभाव पूरे विधानसभा क्षेत्र तक का नहीं है। इसलिए विरोधी भी करीब करीब यहां से बामनिया की टिकट मानकर ही तैयारियों में जुट गए हैं। रमीला खड़िया सीएम की सबसे खास निर्दलीय विधायकों में मानी जाती है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के खेल के समय रमीला खड़िया ने ही उनकी काफी मदद की थी। सीएम खुद इस बात को सार्वजनिक मंच से कबूल चुके हैं। हालांकि इस बार विधायक रमीला खड़िया के विरोध में प्रत्याशियों की संख्या कुछ बढ़ गई है। यहां करीब करीब रमीला खड़िया दूसरी बार विधायक की प्रबल दावेदार कांग्रेस से लगती हैं। कांग्रेस आला कमान के लिए अब जिले में गढ़ी और घाटोल विधानसभा की सीटें सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई हैं। कारण यह है कि यहां दावेदारी कहीं ज्यादा है, लेकिन चेहरा पुराने चेहरों से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। गढ़ी में प्रधान कांता भील का खुलेआम विरोध चल रहा है, तो घाटोल में पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल के खिलाफ खुद की ही पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है।